मैं करके बताता तू। बन क्या रहा है आज? आज क्या बन रहा है? भिंडी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह हो चुकी है और बज रहे हैं 9:15। शरद गई स्कूल सुबह 7:30 बजे और मैं मस्त सो के था। कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो उसके वजह से कल लाइट चली गई, तो मुझे एडिटिंग करके अपलोडिंग करने में थोड़ी सी देर लग गई, 12 बज गए थे। तो अभी उठाओ, आज तो बहुत बढ़िया से धूप खिली है। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो अभी बन रही है मेरे लिए चाय, तो मैं अभी चाय पीता हूँ। और आज ट्यूशन को छुट्टी भी नहीं है तो आज ट्यूशन भी जाना है। तो भाई मैंने अभी नहा लिया है तो अभी मैं करता हूँ पढ़ाई, क्योंकि कल का होमवर्क थोड़ा सा अधूरा रह गया था फिजिक्स का, तो अभी कर लेता हूँ। और टाइम भी कम है, 1:30 बजे ही जाना है मुझे। तो अभी बज रहे 10:15, तो सारा अध्याय आएगी अभी, तो मैं पढ़ाई करता हूँ और फिर जो भी व्लॉगिंग है 1:30 बजे के बाद सारा अध्याय के हाथ। आज तो लास्ट पेपर था तुम्हारा, कैसा गया? अच्छा। अभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे थोड़ी दिनों में, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे ही करते करते 10th। बहुत बड़ी जर्नी है आपकी। बाकी अभी क्या हुआ आज? टीचर ने बताया। क्या बताया? पेपर पूरा लिख के? हाँ। अच्छा, कैसा गया फिर? अच्छा, बच्चों मतलब कौन तू? तो मैंने अभी अपनी आधी से ज़्यादा पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, बस 2 दिन क्वेश्चंस बचे हैं और अभी बच रहे हैं 12। तो अभी लंच कर लेता हूँ, उसके बाद तो 1:30 बजे डायरेक्टली ट्यूशन ही जाना है। तो क्या है लंच में? तो लंच में है भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो फटाफट लंच करना पड़ेगा, फिर ऑटो आता है ना, और होमवर्क भी करना है मुझे। आज तो जो भी ब्लॉगिंग होगी वो सारा तय कर दी। वैसे उसे मैं थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ। कल आपने देखा, कल के ब्लॉग में उसने थोड़ी सी बातें की, जो उसके दिल में था वो बोल दिया। मैंने उसे बोला ऐसे, कैमरा हाथ में ले और जो तेरे मन में है वो बोल दे, और आजू बाजू क्या चल रहा है वो दिखा, आजू बाजू क्या सीन है वगैरह। तो उसने बोल दिया, आप कमेंट करके बताना आपको उसकी ब्लॉगिंग कैसे लगी। सारा तय, आपने लंच कर लिया? कर लिया आपने लंच? अच्छा, आप ब्लॉगिंग करोगे ना? तो अभी मैं जा रहा हूँ चिप्स वगैरह लेने, कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह अपने हाथ में, पूरे 100 रुपये। शरद क्या खाएगी, क्या खाओगे? अच्छा ठीक है, मैं अपने लिए ले रहा हूँ चाट चस्का। तो अभी चलता हूँ, चलो भाई मजे करते हैं। बहुत कम टाइम बचा है, फटाफट खा लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन रह गए वो कर लेता हूँ और फिर भागता हूँ वहाँ पे ऑटो से। भागूंगा नहीं, ऑटो में जाऊँगा। तैयारी वगैरह करता हूँ और चलता हूँ, और इस ब्लॉग को डायरेक्टली शाम को कंटिन्यू करूँगा। अगर उससे पहले शरद ने कंटिन्यू कर लिया, कुछ दिखा दिया तो ठीक है, तो मिलता हूँ शाम को। तो अभी मैं ट्यूशन से आ गया हूँ, बज रहे 6:06 बजने वाले और आज भी मौसम कल के ही जैसा है, एकदम ऐसा घने घने बादल आ चुके हैं, आज भी बारिश आएगी। क्या हुआ? तो क्या कट रही है? पत्ता गोभी। कुछ और नहीं? भिंडी है सवेरे की। अरे नहीं, कुछ नया है और इससे
मैगी कब खरीदेंगे? कल। कैल्शियम मिलता है इससे, पता है? तो ये भी खानी पड़ती है, हर सब्जी खानी पड़ती है। कहाँ भाग रहा है अभी? मैं करके बता था अरे रे रे कैसे काप रहा है अरे रे रे अच्छा हो गया इतना ही। तो गाइस मैं जब ट्यूशन गया था तब स्वराज ने थोड़ी सी व्लॉगिंग करने की ट्राई की, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे बनी। हाय गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और भैया गए हैं ट्यूशन, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा है क्योंकि जब वो रहते हैं घर पे तब मुझे परेशान करते, लेकिन अब वो गए हैं ट्यूशन तो कुछ कोई भी मुझे परेशान नहीं करता है, तो इसमें मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आज का मेरा स्कूल का आखिरी पेपर था तो जो मैं अभी नई क्लास में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले छुट्टियां लगी है तो इस छुट्टियों में मैं स्विमिंग क्लास को जाऊंगी और स्विमिंग सीखूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्विमिंग की क्लास और मुझे स्विमिंग सीखना भी पसंद है और मैं स्विमिंग सीखूंगी। अभी डिनर कर लेता हूँ और डिनर में है रोटी, खिचड़ी, भिंडी की सब्जी और पत्ता गोभी की सब्जी। मुझे नहीं पसंद, खाते हैं फिर हर सब्जी खानी चाहिए, आपको भी। अभी खाना पीना हो गया है तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, हम लोग यानी मम्मी, सरादया और मैं मंदिर में जाएंगे ना। चलो फिर, लाइट भी चली गई घर की। हम लोग जैसे ही बाहर आए दरवाज़ा बंद किया, लाइट चली गई हम लोग, तो उम्मीद करते हैं जब हम घर पे आए तब लाइन आके हो, क्योंकि पहले ही बहुत गर्मी हो रही है, अगर लाइन नहीं होगी तो एसी नहीं चला पाएंगे। आ गई। अरे वाह, अच्छा हुआ, मैंने बोला भी अच्छे से। हाँ तो चलो अभी चलते। अभी मच्छर बढ़ रहे, सो गाइस अभी हम लोग घर पे आ गए हैं। काफी अच्छा लगा वहाँ पे, काफी अच्छी वाइब आ रही थी और मैं जो है पब्लिक में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट शाय सा बंदा हूँ मैं, इस फियर से पीछा छुड़ाने के लिए पब्लिक में मैं कुछ ज़्यादा बोल ही नहीं पाता। आप लोगों ने देखा वहाँ पे मैं किसे डर डर के बोल रहा था, घर पे मैं अच्छे से बात कर पाता हूँ लेकिन वहाँ पे नहीं। तो आप लोग कुछ ये फियर को ओवरकम करने के लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में, बाकी मैं तो ट्राई करूँगा। आप लोगों ने देखा ना वहाँ पे मैं कैसे ऐसा डर डर के बोल रहा था, तो हाँ वही मेरा प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, पूरे दिन ट्यूशन रहने वाली है, मतलब परसों से चालू हुआ और 2 दिन में ही मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। बाकी तो JEE तो टॉप लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।